सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है अ राजस्थान, बी हरियाणा, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरियाणा। आपका दूसरा प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है अ केरल, बी हरियाणा, सी बिहार, डी राजस्थान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? आपके ऑप्शन है अ मणिपुर, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी असम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन अ मणिपुर। आपका चौथा प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन है अ दिल्ली, बी देहरादून, सी लखनऊ, डी गाजियाबाद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी देहरादून। आपका पांचवा प्रश्न है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? आपके ऑप्शन है अ पंपनम शोला राष्ट्रीय उद्यान, बी मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, सी इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। आपका छठवां प्रश्न है, भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है अ केरल व तमिलनाडु, बी केरल व राजस्थान, सी केरल व ओडिशा, डी केरल व आंध्र प्रदेश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल व राजस्थान। आपका सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है अ असम, बी जम्मू कश्मीर, सी मेघालय, डी सिक्किम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। आपका आठवां प्रश्न है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? आपके ऑप्शन है अ कच्छ की खाड़ी, बी सुंदरबन, सी पर्ल स्ट्रेट, डी खमात की खाड़ी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पर्ल स्ट्रेट। आपका नौवां प्रश्न है, भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है अ मुंबई, बी सूरत, सी जयपुर, डी बड़ौदा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूरत। आपका दसवां प्रश्न है, कौन सा जीव पानी पीते ही मर जाता है? अ चूहा, बी मेंढक, सी मच्छर, डी कंगारू रेट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कंगारू रेट।